इसकी तो हाइट इतनी सी, इसकी शादी कैसे होगी? The next question is, do you get paid in lakhs? As when my mom got hospitalized, how do you edit your videos? I cry. ठीक है, मैं I'm gonna be very honest, I just cry. मुझे डील करना नहीं आता. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sunny and today's video is going to be a Q&A video. So last Q&A video ना मैंने शादी से पहले करा था, like almost सवा साल पहले. So it's been a long time and I know कि आप लोग के भी बहुत सारे questions होंगे. So I am here to answer all your questions. So मैंने ना Instagram पे भी questions पूछे थे and YouTube पे भी. And I have all the questions with me right here. सब question का answer करने वाली हूँ आज की video में. So I'm super duper excited. आज जितने भी शादी related question है ना वो इस वाली video में नहीं होंगे. उसके लिए मैं अलग से video बना रही हूँ जो कि इसी वीक में अगले वीक तक आ जाएगी एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑन माय अदर चैनल तांशु व्लॉग्स. अगर तक उसका सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लेना. एंड आई लव क्यू एंड ए वीडियोस बिकॉज यू गेट टू नो मी पर्सनली एंड आपको भी प्रॉपर इनसाइट मिलते रहते हैं कि कब क्या चल रहा है मेरी लाइफ में. आप लोग मुझे और अच्छे से जान पाओगे. सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाय, माय नेम इज तान्या. आई मेक वीडियोस ऑन फैशन, ब्यूटी एंड व्लॉग्स एंड आई हैव अनदर चैनल व्हिच इज कॉल्ड तांशु व्लॉग्स. मैंने बेसिक क्वेश्चंस आपको बता दिया. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट आर योर ट्रैवल प्लान्स फॉर 2024. मैं बताती हूँ आपका ना, मेरा मन था इस बार डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों ट्रिप लेने का इसी साल में. एंड एक ट्रिप होने वाला था, मतलब ऑलरेडी अभी अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल में हो जाना चाहिए था, बट मेरे भाई की समझदारी में आपको बताती हूँ. ठीक है, मेरे भाई का जो हम सबका पासपोर्ट ना एक साथ बना था, मेरा ट्रिप होने वाला था ना, ये मेरी मॉम और मेरे भाई एंड पापा के साथ ट्रिप होने वाला था. एंड जब हमारे पासपोर्ट बने थे ना तो हम सबके साथ में बने थे, बट उस टाइम तुषार माइनर था तो उसका आई थिंक कम ड्यूरेशन का पासपोर्ट बना था, तो हमारा वैलिड था. तो हमें लगा हम भूल गए थे कि इसका थोड़े टाइम के लिए पासपोर्ट है, हमें रिन्यू कराना भूल गए. ठीक है, हम टिकट्स वगैरह हमने पूरा प्लान कर लिया ट्रिप के, कहाँ कहाँ जाना है एंड कब जाना है. एंड जैसे हम टिकट बुक करने लगे, गेस वॉट, तुषार का हमने पासपोर्ट देखा एक्सपायरी था एंड एक्सपायर हुए भी उसको काफी टाइम हो गया, तो उसका पासपोर्ट अभी दोबारा बनवाया. एंड लेट्स सी कहाँ जाते हैं. डोमेस्टिक तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं तो जाऊंगी मैं इस साल, अभी लोकेशन का मुझे आइडिया नहीं है, बट डोमेस्टिक तो ट्रैवल करेंगे. इंटरनेशनल का आई हैव नो क्लू कि अब कब जाऊंगी. सो डोमेस्टिक तो पक्का होगा, इंटरनेशनल का मुझे खुद भी नहीं पता अब कब होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू डील विद टफ सिचुएशंस. टू बी ऑनेस्ट, आई रियली डोंट नो हाउ टू डील विद दीस सिचुएशंस. आई क्राई. ठीक है, मैं आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, आई जस्ट क्राई. मुझे डील करना नहीं आता, मैं खुद स्ट्रगल करती हूँ, तो आपको मैं क्या ही एडवाइस दूं. आई क्राई. एंड देन कुछ लोग होते हैं ना आराम से सो जाते हैं, तो सोया भी नहीं जाता. आई ओवर थिंक अ लॉट, मैं सोचती रहूंगी एंड मेरे को रोना आता रहेगा. या फिर अगर इतनी कुछ बड़ी सिचुएशन नहीं है तो मैं क्या करूंगी ना कि थोड़ा स्किन केयर कर लेती हूँ. मेरे को स्किन केयर वगैरह करने में ना टाइम डाइवर्ट कर देती हूँ, तो मूड अपने आप ठीक हो जाता है. अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, फेस मास्क लगा लिया, मम्मी के पार्लर चली जाती हूँ, वहाँ पे आराम से मैनिक्योर पेडिक्योर करा लेती हूँ, क्लीनअप वगैरह करा लेती हूँ, थोड़ा सा मूड उससे तो ठीक हो ही जाता है. मैं अपना मूड ठीक करने के लिए ना पास्ता वगैरह बनाती हूँ, आराम से कुछ मूवी शूवी देखती हूँ, थोड़ा सा उससे माइंड डाइवर्ट हो जाता है. बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम है दैट आई ओवर थिंक अ लॉट, तो मैं वो सोचती रहती हूँ, तो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग. सो मैं क्या ही बोलूँ. एंड यूजली ना मुझे मीठा खाना बिल्कुल नहीं पसंद, बट जब मेरा मूड खराब होता है ना या मैं रो रही होती हूँ, मेरा मन करता है वॉफल खाने का. आई डोंट नो हाउ, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मीठा खाने से मुझे ठीक फील होता है, तो ये दो चार चीजें जो मैं करती हूँ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड योर फैमिली सपोर्ट द आइडिया टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. वेल यस, माय फैमिली इज सुपर डुपर चिल. वैसे मैंने पढ़ाई करी, ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन करी इंग्लिश ऑनर्स में, देन मास्टर्स भी करी सेम, एंड देन मैंने जस्ट भी ना सेफ साइड बीएड भी करी थी कि कुछ नहीं चला तो एटलीस्ट टीचिंग का मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा, बट मैंने उसको फॉलो नहीं करा. मैंने 9 to 5 जॉब करी है, नाइट शिफ्ट की वजह से ना मैं बहुत चिड़चिड़ी होने लग गई थी, तो ये सब थोड़ा सा मूड खराब से रहने लग गया था. तो मैंने सोचा नाइट शिफ्ट छोड़ो, मैं मेकअप मुझे पसंद है एंड मेरी मम्मी का भी सैलॉन है, तो मैं छोटे होते से ना जब भी मम्मी ब्राइडल मेकअप करी थी मैं ऐसे खड़ी हो जाती थी उनके साथ, हमेशा देख रही होती थी. तो मुझे कहीं ना ऐसे था कि यार मतलब मेकअप मुझे देख देख के आने लगा एक, तो क्योंकि मम्मी को बचपन से देख रही थी मैं मेकअप करते हुए, मैं भी थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प भी करा देती थी जब सैलॉन में कुछ ज्यादा मेकअप वगैरह होते थे ना, तो मुझे था कि मेकअप की फील्ड में कुछ करते हैं. तो मैंने इंग्लॉट में जॉब करी एज अ मेकअप आर्टिस्ट, देन आई यूज्ड टू वर्क विद मैक एज अ मेकअप आर्टिस्ट, देन मैंने मेकअप भी कोविड की वजह से मेरे जॉब छूट गए. दैट्स अनदर स्टोरी, दैट्स अ फुल ऑन स्टोरी टाइम जो कि आपको डेफिनेटली मजा जाएगी सुनने में. मतलब इतनी ज्यादा मेरे लाइफ में यू अप्स एंड डाउन आए ना कि ऑनेस्ट मुझे हमेशा से यूट्यूब करना था, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं यूट्यूब करूँ. बट फाइनली जब मेरी जॉब चले गई ना तो मैंने सोचा चलो अब तो फाइनली यूट्यूब करते ही हैं. ठीक है, तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा. मेरी फैमिली वो सुपर डुपर चिल, उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए नहीं
टोका, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने इतनी सारी जॉब चेंज करी ना, उसमें भी दे वर वेरी सपोर्टिव एंड यूट्यूब के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, इवन इनफैक्ट उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा, मेरे पापा ने भी हमेशा मुझे सपोर्ट करा एंड मेरी मम्मी और मेरे भाई भी मुझे बहुत शूट में हेल्प करते थे। जितने भी घर के शूट होते थे ना, या तो मेरी मम्मी या तो मेरा भाई शूट करता था, एंड जितने भी बाहर के शूट होते थे सारे के सारे हिमांशु शूट करता था, तो सब ने मेरी हेल्प करी है। और तो यस, दे वर ऑलवेज वेरी वेरी सपोर्टेड, टच वुड। लेट मी नो अगर आपको वो जॉब छूटने वाला स्टोरी टाइम चाहिए, एंड आई विल टेल यू हाउ एंड व्हाई आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आई वांट टू हिट एटलीस्ट 200K सब्सक्राइबर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल, दिस वन। मतलब यार करवा दो यार प्लीज, बहुत सारे लोग ना मेरी वीडियोस देखते हैं बट दे डोंट सब्सक्राइब। यार प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो, अगर देख रहे हो और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक सेकंड लगेगा सब्सक्राइब कर देना। दैट्स द गोल फॉर 2024 की एटलीस्ट मिनिमम मुझे 200K सब्सक्राइबर्स करने हैं यूट्यूब पे, एंड अपने इंस्टाग्राम पे मुझे एटलीस्ट 50K करने हैं फॉलोअर्स, जिसपे हैं 23K। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, दिस माय इंस्टाग्राम हैंडल tanyasethi_official, उस पर भी मुझे फॉलो कर लेना प्लीज, कर लो यार प्लीज। जो ड्राइविंग सीखनी है, एंड आई एम श्योर हर बच्चे का ये प्लान क्या गोल होता है कि अपने मम्मी पापा को सब कुछ लेके देना। लाइक लिटरली मैंने अपने मम्मी को देखा इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए, सो आई रियली होप एंड आई रियली विश कि मैं उनको सब कुछ दे पाऊँ, मतलब उनको एटलीस्ट घुमा पाऊँ खूब सारी जगह। सो दैट्स माय गोल फॉर एवर, वो तो रह गई हमेशा कि अपने मम्मी को एटलीस्ट मुझे हर जगह घुमाना है, या फिर जो भी उनका मन करे ना। मतलब ऑफकोर्स मम्मी तो ले ही सकती है खुद से भी, बट होता है ना सारे बच्चों को होता है कि हमें करना है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ, और मेरी मम्मी ऐसे कि मुझसे कुछ लेती ही नहीं है और बस डांट देती है। तो आप लोग मेरी मम्मी को डांटो कि ऐसे ताने से चुपचाप जो वो गिफ्ट करे या फिर कहीं घुमाने लेके जाए तो चल लिया करें, बिकॉज बच्चों का भी तो मन करता है ना यार, इतना हम अपने पेरेंट्स के लिए क्या क्या नहीं कर दें। तो वो मेरा गोल हमेशा रहेगा, तो वो तो कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेस्ट फैन मोमेंट। भाई साहब, मैं ना चांदनी चौक गई थी, अभी रिसेंट की बात है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी बार होता है कि मैं आप लोगों से मिलती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, बट एक बार का तो बहुत ही एपिक है जो कि मुझे हमेशा याद रहने वाला है। अभी रिसेंट की बात है, मैं हिमांशु के साथ चांदनी चौक गई थी, एंड एकदम से मुझे चीखने की आवाज़ आई कि सॉरी, तो एक चीखने की आवाज़ आई और भागते हुए कहीं मेरे तरफ आई, मैं डर गई और मैं बहुत ज़्यादा डर गई, एंड शी वॉज लिटरली शेकिंग कि आई एम सो हैप्पी कि मैं आपसे मिली। एंड मेरे को इतना ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था ना, मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा यार मुझे कितना ज़्यादा प्यार मिलता है, एंड आई लव यू सो मच एंड ऑफ ईच वन ऑफ यू, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे मिलते हो, हाय बोलते हो, मुझे अलग ही खुशी होती है, यू नो। बट वो चांदनी चौक वाला भी, मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा एपिक था, शी वॉज सो स्वीट एंड मुझे बहुत मजा आया, तो मुझे हमेशा याद रहेगा, बिकॉज मैं खुद भी डर गई थी उस सिचुएशन में। तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड यू चूज कि आपको करियर में क्या करना है, एंड ट्वेल्थ के बाद क्या लेना था या क्या करना था। सो बेसिकली मैं खुद कंफ्यूज थी, मुझे था ना कि इंग्लिश ऑनर्स कर लेते, बड़ा फैंसी सा लग रहा था, एंड मेरी इंग्लिश में लिटरली बहुत अच्छे मार्क्स आते थे 12th तक, लाइक 90+ आते थे हमेशा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसमें मार्क्स भी अच्छे आते हैं, मजा भी आएगा, पढ़ने को भी अच्छा मिलेगा, बिकॉज मैं 12th तक ऐसी बच्ची थी कि अपना जो हिंदी और इंग्लिश की बुक्स होती थी ना, वो मेरे फर्स्ट टर्म से, लाइक फर्स्ट टर्म भी मैं बहुत ज्यादा बोलती, विद इन 10-20 days पूरी बुक्स खत्म कर देती, मुझे इतना ज्यादा पसंद थी रीडिंग। तो मैंने सोचा बेस्ट रहेगा इंग्लिश ऑनर्स कर लेते हैं, एंड देन देखेंगे क्या करना है, मैंने उसके बाद का नहीं सोचा। एंड मुझे टीचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी थी, एंड मुझे नहीं पता था इंग्लिश ऑनर्स के बाद बहुत लिमिटेड ऑप्शन रह जाएंगे, तो मैंने वो कर लिया, बट देन मुझे टीचिंग नहीं करनी थी, तो मैंने कहीं कॉर्पोरेट में जॉब स्टार्ट कर दी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट्स से आप कितना अर्न करते हो? सो गाइस, शॉर्ट्स का ना मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लाइक मुझे समझ नहीं आता कि शॉर्ट्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। वैसे ही एक तो यूट्यूब का बहुत ट्रिकी रहता है कि आपका कितना व्यूज पे कितना पेमेंट आने वाला है, एक तो हर महीने अलग आता है, ठीक है। तो मुझे शॉर्ट्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बट बहुत कम है, बहुत 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 कम है, इसलिए भी कम है क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या कोई फीडबैक देना तो मुझे कॉमेंट जरूर करा करो, सो दैट यू नो आई कैन इम्प्रूव एंड मैं अपना कॉन्टेंट और इम्प्रूव कर सकूँ, अच्छा कर सकूँ। तो प्लीज वो 2 सेकंड लगेंगे, आप वो भी कर दिया करो। एंड अभी वैसे भी मेरे व्यूज थोड़े कम हो रखे हैं, बिकॉज मेरी गलती है, मैं इनका
इनकंसिस्टेंटली, बट आई प्रोमिस मैं अच्छे से अब वीडियोज डालूंगी, तो आप भी प्लीज मुझे सपोर्ट करना एंड सब्सक्राइब भी करना एंड मेरे चैनल के साथ लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो कि क्या अच्छा लगा या फिर क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ अपनी वीडियो में. सो यू कैन डेफिनेटली लीव योर फीडबैक इन द कॉमेंट्स. एंड इसकी जैसे ही देयर इज अनदर क्वेश्चन कि मैं यूट्यूब से व्हाट वॉज माई फर्स्ट YouTube income, so it was around 12,000 to 13,000 rupees, 12-13,000 रुपये था. एक्चुअली हमें YouTube का क्या होता है ना, 100 डॉलर्स का थ्रेशोल्ड होता है, वो कंप्लीट करते हैं देन ही हमारे अकाउंट में आता है. बट मेरा एक महीने में 100 डॉलर्स भी नहीं हुआ था, कुछ 60-70 डॉलर्स हुआ था, तो वो दो महीने की टोटल मेरे पास इनकम आई थी 12-13,000 रुपये. दैट वॉज माई फर्स्ट यूट्यूब इनकम एंड आई वॉज सो हैप्पी. मतलब इवन दो जो मेरी उससे पहले सैलरी थी ना वो बहुत ही ज्यादा थी, बट ये वाली सैलरी से अलग ही खुशी मिल रही थी, तो दैट वॉज माई फर्स्ट इनकम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब. हाँ ऑफकोर्स आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस. मेरे को मेकअप की फील्ड में ही करना है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट. या तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई मेकअप लाइन, लाइक खुद के प्रोडक्ट्स, आई एम नॉट टू श्योर बट आई रियली वॉन्ट टू. ठीक है, या तो ये या फिर आई वांट टू स्टार्ट माय एकेडमी, लाइक मेकअप एकेडमी एंड स्टूडियो, जहाँ पर हम मेकअप भी कर सकते हैं एंड मेकअप सिखा भी सकते हैं. तो आइदर ऑफ दीज, लाइक ये दोनों मेरे गोल्स हैं, तो दोनों में से कुछ भी हो जाए पहले. अभी तो आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, बट अभी उसमें बहुत टाइम है बिकॉज आई नीड फंड्स, आई नीड इन्वेस्टमेंट, आई नीड कैश बहुत सारा दोनों में से किसी भी चीज़ के लिए. सो उसमें भी मुझे लगता है टाइम है, बट अगर जल्दी हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी प्रोडक्ट जिसके बिना आप घर से बाहर नहीं निकलते हो, मेकअप प्रोडक्ट. यस गाइस, नॉट स्पॉन्सर्ड. मैं एक मार्स की लिपस्टिक लगाती हूँ जो आई थिंक 200 या 250 रुपए की है, क्रेयॉन वाली, एंड आई लव दैट लिपस्टिक. जब मैं लगाती हूँ मुझे हर कोई पूछता है, सारे कॉमेंट्स में आते हैं कि कौन सा लिपस्टिक लगाया हुआ है. द लिपस्टिक इज कॉल्ड आई एम बोल्ड, नंबर 15 है, क्रेयॉन का नंबर जो होता है. तो मैं लिंक कर दूंगी अगर आपको चाहिए तो. बहुत मैं उसके बिना तो निकलती ही नहीं हूँ, वो लगा देती हूँ. अगर चाहिए तो लैशेस को सिर्फ कर्ल कर दो, मस्कारा नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, बट लिपस्टिक तो मुझे वो चाहिए चाहिए रहती है. तो दैट्स द आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पार्ट ऑफ योर लाइफ यू वुड नेवर वांट टू शेयर ऑन यूट्यूब. सो ऐसा हुआ है, वैसे तो मैं सब कुछ दिखा देती हूँ मेरी लाइफ में, ऐसे होता है और मैं फटाफट से या तो इंस्टाग्राम पे रियल टाइम में अपडेट कर देती हूँ या तो यूट्यूब पे व्लॉग आ जाता है. बट एक दो चीजें ऐसे हुई है कि मैंने जो शेयर नहीं करा है, इज व्हेन माय मॉम गॉट हॉस्पिटलाइज्ड, शी वाज एडमिटेड, एंड वो भी हुआ था मेरी शादी से लिटरली 15-20 दिन पहले. उनको टाइफाइड हुआ था आई थिंक, एंड उन्होंने छुट्टी ली हॉस्पिटल से बिकॉज शी न्यू के घर में शादी है, एंड स्टिल उसके बाद भी उन्होंने सबके घर जाके इन्विटेशन कार्ड्स बांटे, और वो सब हो रहा था शादी की सारी प्रेप के बीच में. तो वो पार्ट मैंने दिखाया नहीं था बिकॉज उस टाइम हमें ही पता है कि यार उस टाइम हमें कैसे मैनेज करना था, मतलब शॉपिंग भी शादी की बची थी, 100 काम होते हैं आपको पता है शादी वाले घर में, तो वो सब भी देखने थे, इन्विटेशंस भी हमारे लास्ट मोमेंट पे हुए थे सारे, तो बहुत सारा था. एंड उसके पहले भी ना पता नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा नजर में बिलीव करती हूँ, तो मुझे लगता है कि है ना नजर बहुत जल्दी लग जाती है. मेरी मम्मी का पता नहीं रिसेंट में बहुत ज्यादा तबीयत, एंड 2-3 बार हुआ था क्या वो एडमिट कराना पड़ा था मम्मी को हॉस्पिटल में, तो मैंने वो कभी भी नहीं दिखाया बिकॉज कई बार ही होता है ना, बहुत सारे लाइक 90% लोग आपके साथ ही होते हैं आपकी ऑडियंस, बट कुछ लोग होते हैं जो कि ना अलग अलग ही कॉमेंट करते हैं. अभी तक तो मैंने वही पार्ट है जो कि नहीं दिखाया, बाकी मैं सब कुछ दिखा देती हूँ. आई जस्ट होप कि दोबारा कुछ ऐसा होप भी ना, भगवान ना करे कि कभी ऐसा कुछ हो जो मुझे सही रहे. The next question is YouTube or Instagram? So YouTube, of course, without a doubt. YouTube पे ना you get to know your people and you guys get to know me personally. तो एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाता है, अच्छा सा कनेक्ट बन जाता है. That's why I prefer YouTube more. And you know, Instagram की रील में या जो शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट होता है ना, उसमें 15 या 20 सेकंड में मैं क्या ही दिखा लूंगी. लाइक let's say मैं अपना कोई मीशो का स्कर्ट ऑर्डर करा तो और मैंने उस पर वीडियो बनाई, तो सारे कॉमेंट्स होंगे ऑफकोर्स वो स्कर्ट के रिलेटेड ही होंगे कि लिंक दे दो या कितने की है या कैसी है. ऑफकोर्स 15 सेकंड की वीडियो में मैं वही तो दिखा पाऊंगी ना, लोग भी उतना ही जान पाएंगे, उसी चीज को उसी चीज पे फोकस करेंगे. और मैं 15 सेकंड में अपने बारे में क्या ही बता लूंगी मुझे लगता है. तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे ना स्पेशली लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट में आप प्रॉपर अपने जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो अपडेट्स दे सकते हो, अपनी हैप्पीनेस एंड अपना जो भी कुछ हो रहा है लाइफ में वो सब कुछ शेयर कर सकते हो.
तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो यूट्यूब ऑफकोर्स, ऐसा नहीं कि मुझे इंस्टाग्राम पसंद नहीं है, इंस्टाग्राम या शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट फन है. लिटरली मैं सोचती हूँ 10 मिनट देखती हूँ, ठीक है, फटाफट रील देखने लगती हूँ एंड पता नहीं चलता कब 1 घंटा हो जाता है. तो वो तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है कॉन्टेंट कंज्यूम करने में. बट अगर आप मुझे वैसे डीपर लेवल पे पूछो तो यूट्यूब. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन. हाँ मैं बिलीव करती हूँ. बट मैं ना मतलब मैंने ये सुना है कि मैनिफेस्टेशन में ना आपको बस विदाउट अ डाउट सोच यू हैव टू इमेजिन कि हाँ होगा ही वो चीज़ आपकी लाइफ में. ठीक है, मुझे नहीं पता ये टेक्निक है या नहीं, मैंने सुनी थी कहीं तो, एंड मुझे तो तब पता भी नहीं था कि इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं. मैं लिटरली इमेजिन करती थी कि यार ऐसा होगा, एंड यू डोंट हैव टू क्वेश्चन कि कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, बस इमेजिन करती थी मैं कि होगा, ये तो होना ही है. ठीक है, जैसे मैं यूट्यूब सोचती थी ये तो होना ही है मेरी लाइफ में, तो यूट्यूब हो गया. एंड ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि लिटरली हुई है, एंड मेरे को ऐसे लगता है कि यार सच्ची है, तो मैंने जस्ट इमेजिन करा था कि हो रहा है एंड हो गया. तो आई डोंट नो इफ इट्स अ टेक्निक और नॉट, बट यस मैनिफेस्टेशन आई थिंक इसी को बोलते हैं, एंड मैं बिलीव करती हूँ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू एवर गेट बुलीड फॉर योर हाइट. मतलब मैं इसका क्या ही जवाब दूँ. ऑफकोर्स यस, बुली तो करा जाता था जब मैं स्पेशली स्कूल में, स्कूल के बच्चे तो आई डोंट नो कौन से माइंडसेट में होते हैं, स्कूल में जब मैं थी ना लिटरली मुझे हर कोई, मतलब इतने सारे बच्चे थे ना स्कूल में जो कि मजाक उड़ाते थे कि ये छोटी है, इसकी हाइट देखो, ये वो, तो बहुत बुली करा जाता था स्कूल में. बट एंड मेरा कॉन्फिडेंस तो लिटरली उन्होंने ऐसे मतलब यूं डाउन कर दिया जितने बच्चों ने मुझे हाइट का बोल बोल के, कि जब मैं कॉलेज में जाने वाली थी ना, मेरा जब कॉलेज में एडमिशन करवाया, मैं इतना ज़्यादा डर रही थी कि यार मैं कैसे जाऊँगी, सब हंसेंगे कि यार देखियो इतनी छोटी सी हाइट की लड़की और ये कॉलेज में, मुझे बहुत अजीब लगता था. बट मेरी मम्मी ना मुझे बहुत समझाती थी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी इतना मैं बहुत टैलेंट है, तो हाइट का बोल भी रहे उनको मत सुना कर, इग्नोर कर दिया कर. बट मेरे को होता है ना मतलब उस टाइम ना मैं समझ नहीं आता, बहुत ज़्यादा मैं इफेक्ट कर जाती थी. एक तो मैं वैसे ओवर थिंक करती हूँ, तो मैं ना कॉलेज में भी हील्स पहन के जाती थी और मेरे पैर दुख जाते थे बाय द एंड ऑफ द डे. बट स्टिल मुझे था कि चलो पैर दुख जाए बट कोई मुझे हाइट के लिए ना मजाक उड़ाए. बट टू माई सरप्राइज कॉलेज में एक भी बच्चे ने नहीं बोला, मुझे समझ नहीं आता था कैसे, ये भी तो वही बच्चे हैं जो स्कूल से पास आउट हुए हैं. कॉलेज में एक भी बंदे ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया या कभी बुली नहीं करा कि इसकी तो हाइट कम है, ये वो, कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा. तो ये तो बहुत सही था. ना ही मुझे कभी ऑफिस में, मेरे को लाइक जॉब में मुझे कभी भी किसी ने बोला कि यार इसकी तो हाइट इतनी सी है, कभी भी नहीं हुआ. सिर्फ स्कूल के ऐसे बच्चे होते थे जिन्होंने मुझे वो बहुत चिढ़ाया. एंड कॉलेज में ना जब मुझे लगा कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं हाइट, कि मैं हील्स पहन रही हूँ नहीं पहन रही हूँ, दे डोंट केयर, एंड वो नहीं बुली कर रहे हैं, तो मैंने उसके बाद फ्लैट्स पहनना शुरू कर दिया. एंड मेरी मम्मी ने भी मुझे बहुत ज़्यादा तब तक समझा दिया था, तो मुझे लग रहा था कि यार मम्मी भी सही बोल रही है एंड बच्चों को भी नहीं सही, बच्चों को भी फर्क नहीं पड़ रहा है. तो मैं उसके बाद फ्लैट्स पहन के जाती थी एंड टिल डेट आई डोंट केयर अगर कोई मेरे को हाइट के लिए बोल रहा है. बट हाँ कई लोग होते हैं, इवन कई लोग बड़े लोग भी होते हैं जो कि बोल देते हैं मुंह पर ही. जैसे मैंने देखा है कि कई लोग बोल देते थे कि इसकी तो हाइट इतनी सी, इसकी शादी कैसे होगी, मतलब कुछ भी. ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, बच्चे छोटे बड़े भी होते हैं, जो कि कभी कभी आपको अनइंटेंशनली बुली कर देते हैं एंड ऐसे बोल देते हैं. एंड आई थिंक दिस इज जस्ट द बेसिक थिंग कि आप किसी को ना बोलो, कि आप किसी की वेट पे कमेंट मत करो या किसी की हाइट पे कमेंट मत करो, ये बेसिक चीज़ है. बट कुछ लोग अभी भी बाई चांस अगर कोई बोल देता है ना, मैं इग्नोर कर देती हूँ, बिकॉज अब क्या ही बोलूँ उस बंदे को, अब उसकी मेंटालिटी ऐसी, तो चेंज तो नहीं कर सकते हैं किसी को. मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, आई एम सो हैप्पी विद माई हाइट. तो मुझे एकदम सही लगती हूँ, मैं एकदम परफेक्ट लगती हूँ. हाँ मेरे को लग रहा है कि मुझे वेट थोड़ा कम करना चाहिए, वो मुझे खुद भी पता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू एडिट योर वीडियो. सो अदर सो मेनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, लाइक लिटरली आपको फोन के भी बहुत सारे मिल जाएंगे. आप इवन आई मूवी आईफोन में आता ही है, उससे भी एडिट कर सकते हो. इनशॉट आता है, VN आता है, बहुत सारे फ्री एडिटिंग एप्स हैं जिसको आप यूज़ करके एडिट कर सकते हो. मुझे लगता था पहले, लिटरली मैंने YouTube स्टार्ट करने से काफ़ी टाइम पहले ही, सिंस आई न्यू कि मुझे YouTube करना ही है, तो मैंने सबसे पहले अपनी सैलरी जोड़ के अपने लिए DSLR लिया था, बिकॉज मुझे लगा था DSLR के बिना तो आप शूट ही नहीं कर सकते हो. बट आपके पास अगर अच्छा फोन है तो भी आप अपना YouTube स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देर आर सो मेनी फ्री एप्स जिससे आप एडिट कर सकते हो वीडियोस को. एंड इवन लैपटॉप के लिए भी बहुत सारी एप्स आते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल फाइनल कट प्रो या अडोबी प्रीमियर प्रो, तो ये सब बहुत सारी एप्स आपको मिल जाएंगी. एंड आपको लिटरली 1-2 दिन लगेंगे थोड़ा बहुत बेसिक सीखने में, उतना तो आप सीख ही सकते हो. यूट्यूब पे भी देर आर सो मेनी वीडियोस जो कि आपको सिखा देते हैं कि कैसे क्या करना है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू गेट पेड इन लैक्स. आई विश बट आई डोंट. ठीक है,
देर आर क्रिएटर्स हु आर डेफिनेटली अर्निंग इन लैक्स. मैं अभी नहीं करती हूँ बट मेरी ठीक ठाक इनकम हो जाती है. बट यार बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग इनकम है यूट्यूब से. मैं एक महीना आती है, अगले महीना हो सकता है नहीं भी आए. सो मुझे ये बस लगता है लैक्स में नहीं है बट एक डिसेंट अमाउंट अर्न कर लेती हूँ मैं. मुझे भी लगता था यार यूट्यूब स्टार्ट कर लो लाखों में इनकम होगी बट हर कोई नहीं करता है, मुझे पता चल गया है अब. सया The next question is, what do you like about YouTube and what you don't like about YouTube? So basically pros and cons. So बताती हूँ. मैं ना जब नोएडा जॉब करती थी ना, मैं सुबह 9 बजे की मेरी शिफ्ट होती थी, मैं सुबह 7 बजे निकलती थी एंड मेट्रो में ना यूं करके खड़े होना पड़ता था. इतनी सी भी जगह नहीं होती थी, खड़े होने की भी जगह नहीं होती, इतनी भरी भरी मेट्रो में मैं जाती थी. एंड शाम को मैं 6 बजे आती थी, 8 बजे मैं घर पहुँचती थी एंड शाम को भी सीट नहीं मिलती थी. मैं इतना थक के चूर हो जाती थी ना, तो मुझे अब लगता है कि यार एटलीस्ट आई कैन work whenever I want to and मैं अपने घर पे भी शूट कर सकती हूँ, जब मेरा मन करे तब शूट कर सकती हूँ, which is something that I really really like about YouTube. But just like other jobs, we also have deadlines. Like हमारे पास भी brand की deadlines होती है कि आपको इस time तक आपका अपना काम करके देना ही देना है. आपके घर में कुछ भी हुआ हो, आई एम श्योर 9 to 5 जॉब्स में भी होता होगा कि घर में कुछ भी हुआ, अगर आपका असाइनमेंट कंप्लीट करना है तो करना ही है. सेम हमारे वीडियो में भी, अगर हमारे को किसी ब्रांड को इस दिन पे वीडियो देनी है तो अगर जितनी भी तबीयत खराब हो ना आपको देनी ही पड़ेगी. तो हाँ मैं आपको दोनों साइड्स बता रही हूँ, प्रोज भी बता रही हूँ कॉन्स भी बता रही हूँ. एंड एक और चीज मैं बताती हूँ, 9 to 5 में ना सबको लगता है कि यार ना यूट्यूब तो सही है, आप रेडी हो, मेकअप करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, वीडियोज बनाओ, एडिट करो, पोस्ट करो. तो पहली बात तो एडिटिंग में ना मुझे लिटरली बहुत ज्यादा टाइम लगता है. एंड एडिटिंग भी छोड़ो, अगर आपने काम कर लिया, आपको पता है 9 to 5 में आपने पूरा महीना काम करा, आपकी इस दिन सैलरी आ जाएगी. पहली बात तो हमारी सैलरी पता नहीं कि इस महीने कितनी होगी, अगले महीने कितनी होगी, होगी भी कि नहीं होगी, एक तो ये रहता है. सेकंड कि हमने काम कर लिया है ना, लेट्स से मैंने किसी ब्रांड को वीडियो दी है, स्पॉन्सर्ड वीडियो है, और मुझे लगता था कि यार मैंने वीडियो दे दी मुझे पेमेंट मिल जानी चाहिए, बट लिटरली हमें ब्रांड्स को अपने ही काम के लिए बैक करना पड़ता है कि यार हमारी पेमेंट दो, पीछे पड़ना पड़ता है उनके. एंड कितनी एक बार ही मेरे साथ हुआ है, मेरी पेमेंट 6 महीने तक अटकी है. एंड मैं लिटरली हर महीने हर थोड़े दिन में उसको कॉल करके बोलती थी कि यार प्लीज मेरी पेमेंट क्लियर कर दो, पेमेंट क्लियर कर दो. तो यूट्यूब में बस ये है कि आपका पेमेंट के लिए मतलब आपने काम करा और उसको उसी के पैसे के लिए आपको लिटरली पीछे पड़ना पड़ता है कि यार मेरी पेमेंट तो दे दो, तो मुझे ये लगता है. सेकेंड एंड एक और चीज बताती हूँ, जैसे कि ना आप ट्रैवल, जैसे आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आप अपनी काम करते हो पूरा टाइम एंड देन छुट्टी लेके आप रिलैक्स करने वेकेशन पे जाते हो, है ना. बट हम जब वेकेशन पे भी होते हैं तब भी हम काम कर रहे होते हैं, बिकॉज हम लोग ना हमेशा होता है कि यार ये भी कैप्चर कर लो, वो भी कैप्चर कर लो. तो वो मुझे लगता है, आई एम नॉट सेइंग दैट आई हेट दिस जॉब, आई लव माय जॉब, बट इफ यू वांट टू स्टार्ट अ यूट्यूब करियर, मैं आपको दोनों साइड बता रही हूँ कि ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है. एंड यू ऑल नो दैट आई यूज्ड टू वर्क एज अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट एंड मुझे लिटरली उसमें भी इतना ही मजा आता था. बिकॉज लिटरली मैं कितनी भी थकी हुई हूँ ना, मुझे 10 मेकअप और करने को बोल दो मैं कर लूंगी, मुझे बहुत मजा आता है. एंड सेम मजा मुझे यूट्यूब में भी आता है. Right, guys, that is it for today's video. I hope कि आप लोग को सारे answers मिल गए होंगे. शादी रिलेटेड क्वेश्चन, एज आई सेड, आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. सो संभाल के रखो उसके लिए अपने सारे क्वेश्चन एंड जितने भी क्वेश्चन है कॉमेंट में मुझे बता देना. ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना. एंड इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो please give it a big thumbs up. Also please subscribe to my YouTube channel, subscribe to my second channel Tanshu Vlogs as well. Follow me on Instagram, this is my Instagram handle, and I will see you in the next one. Bye. Think that I'm invisible.